हेलो गाइस, आई एम अभिषेक फ्रॉम फ्यूचरिस्टिक एकेडमी, आर न्यू फैकल्टी फॉर द सब्जेक्ट टॉट। और आज की वीडियो में पढ़ेंगे हम इंट्रोडक्शन टू टॉट। तो चलिए शुरू करते हैं। टॉट के बारे में कि टॉट क्या होता है, टॉट कहाँ से आया था इंडिया में, और टॉट का मतलब क्या होता है। द वर्ड टॉट डिराइव फ्रॉम द लैटिन वर्ड टॉटम। जो टॉट वर्ड था वो टोटम वर्ड से निकाला गया था, जो एक फ्रेंच वर्ड है। टॉट एक फ्रेंच वर्ड है और जिसका मतलब होता है ट्विस्ट, और इन इंग्लिश इट इज नोन एज रॉन्ग। इंग्लिश में इसे रॉन्ग कहते हैं। इट इज एन इंग्लिश लॉ, ये एक इंग्लिश लॉ है, और इट इज अनकोडिफाइड लॉ। मतलब टॉट का कोई भी सेक्शन नहीं है, ये कोडिफाइड नहीं है जैसे अदर सेक्शन आईपीसी सीआरपीसी इन सब के सेक्शन होते हैं, ये कोडिफाइड लॉ है, लेकिन टॉट कोडिफाइड नहीं है। इससे कोई भी सेक्शंस नहीं होते, कोई डेफिनेशन नहीं है। टॉट एक अनकोडिफाइड लॉ है बेस्ड ऑन प्रिसीडेंट्स। प्रिसीडेंट्स मतलब यहाँ पे क्या होगा, जो पुरानी जजमेंट थी उसके ऊपर टॉट बेस्ड है सारा। हाउ टॉट केम टू इंडिया, इंडिया में टॉट आया कैसे। इट इज बोरोड बाय ब्रिटिशर्स बिकॉज वी वर कॉलोनियल कंट्री। ये जो टॉट था ये बोरोड करा गया था ब्रिटिशर्स से, क्योंकि जब हम गुलाम थे, जब हम कॉलोनियल कंट्री थे, तब ये टॉट वहां पे ये लोग यूज करते थे अपने कोर्ट्स में। इट वर्क्स ऑन द प्रिंसिपल डिसाइडेड बाय द सुप्रीम कोर्ट और ब्रिटिश कोर्ट डिसीजन बाय देयर केसेस। ये कैसे काम करता है, ये उन प्रिंसिपल्स पे काम करता है जो सुप्रीम कोर्ट ने डिसाइड करे हैं। जैसे मैंने आपको पिछली साइड में बताया था कि वो अपनी पुरानी प्रिसीडेंट्स पे काम करता है, मतलब पुरानी जजमेंट्स पे काम करता है। ऐसे इसके प्रिंसिपल्स चलते हैं कि टॉट कहाँ से कैसे डिराइव्ड हुआ है। वैसे तो ये अनकोडिफाइड है, लेकिन इसकी कुछ प्रिसीडेंट्स है उनसे ऊपर ही आगे चलता है। इसका एक केस था बोल्टन वर्सेस हार्डी। सबसे पहली बार टॉट कहाँ यूज हुआ था, सबसे पहली बार टॉट यूज हुआ था बोल्टन वर्सेस हार्डी 1597 में, जहाँ पे टर्म टॉट डिराइव्ड हुई थी सबसे पहले। यहाँ पे इस केस के अंदर टॉट यूज किया गया था। पब्लिशिंग ऑफ ए डेफेमेटिव स्टेटमेंट अगेंस्ट अ पर्सन ऑन ए सोशल नेटवर्किंग साइट इज एन एग्जाम्पल ऑफ टॉट। किसी पर्सन की सोशल नेटवर्किंग साइट पे तुम किसी बदनामी करे, उसको बदनाम करने के लिए कुछ ऐसे कमेंट्स करना या वो करना, ये टॉट का एग्जांपल होता है। प्रॉपर्टी डैमेज बाय नेबर, किसी नेबर की प्रॉपर्टी डैमेज करना, ये भी एक एग्जांपल होता है टॉट का, कि मैंने कि अपने नेबर की प्रॉपर्टी डैमेज कर दी किसी भी रीजन से, कुछ पानी डाल के, कूड़ा फेंक के, ये चीज मतलब उसकी वॉल खराब कर दी, वॉल में सीलन आ गई, ये सारा होता है टॉट का एग्जाम्पल। थ्रोइंग गार्बेज, वैसे तो गार्बेज फेंकना गलत नहीं है, लेकिन अगर गार्बेज तुम किसी के घर के आगे फेंक रहे हो तो वो टॉट के अंदर आएगा। वो एक एग्जांपल है टॉट का कि यहाँ पे टॉट यूज हुआ है। अब यहाँ पे उस जिसने कूड़ा फेंका है वो टॉट कमिट कर चुका, मतलब कि वो टॉट फीजर हो गया या रॉन्ग डोर हो गया, उसे हम रॉन्ग डोर बोलेंगे या टॉट फीजर बोलेंगे। प्लेइंग क्रिकेट, क्रिकेट खेलना गलत नहीं है, लेकिन अगर तुम किसी की विंडो का ग्लास तोड़ दोगे तो वो एक टॉट कमिट कर दिया है, वो गलत है, उसे टॉट बोलेंगे हम। रैश ड्राइविंग, रैश ड्राइविंग करना, नेग्लिजेंस करना, मतलब ध्यान ना देना गाड़ी चलाते हुए, उसे हम टॉट बोलेंगे। गाड़ी चलाना, सही चलाना, क्योंकि ये हमारी मॉरल ड्यूटी होती है कि हम जब गाड़ी चला रहे हैं तो दूसरों का भी ध्यान रखें कि उससे हमारी गाड़ी से किसी और का एक्सीडेंट ना हो, कुछ ना हो। रैश ड्राइविंग करते समय हम नेग्लिजेंस करते हैं कि कुछ नहीं होगा, और उसी समय टॉट कमिट हो जाता है। मेंस वियर नॉट रिक्वायर्ड इन टॉट। मेंस वियर इसका मतलब ये होता है, यहाँ पे मेंस वियर की वैसे हमारे चैनल पर वीडियो है, आप उसका डिस्क्रिप्शन में लिंक गिवन होगा, आप वहां पे जाके देख सकते हैं। लेकिन मेंस रिया का हम छोटा सा इसके अंदर मतलब समझते हैं, तो मेंस रिया इसका मतलब ये है कि इसमें गिल्टी माइंड जरूरी नहीं है कि मतलब सोच के नहीं करा होता, इसमें एक्टिव रियस जरूरी होता है कि मतलब अगर आपने कर दिया तो मतलब टॉट कमिट हो गया, ये सब मैंने सोच के तो करा नहीं। मेंस रिया इज नॉट रिक्वायर्ड इन टॉट। टॉट के अंदर मेंस रिया रिक्वायर्ड नहीं होता, क्योंकि टॉट कमिट ही तब होता है जब उसमें एक्टिव रियस हो जाता है। जैसे मैंने कूड़ा फेंक दिया, क्योंकि एक्टर सीरियस हो गया है, अब तो टॉट कमिट हो चुका है, इसमें मेंस रिया की जरूरत ही नहीं है, इसलिए मेंस रिया इज नॉट रिक्वायर्ड इन टॉट। मेंस रिया की कोई जरूरत नहीं होती टॉट के अंदर। सम इंपॉर्टेंट टर्म्स ऑफ टॉट, सोसाइटी और म्यूचुअल ड्यूटी। इससे हमारा मतलब क्या है, सोसाइटी और म्यूचुअल ड्यूटी मतलब हम जिस सोसाइटी में रहते हैं हमारी उसके अंदर कुछ म्यूचुअल ड्यूटीज भी होती है सोसाइटी के लिए। जैसे हमने किसी के घर के कूड़ा नहीं फेंकना, जैसे आपको पिछले एग्जाम्पल में मैंने समझाया था, रैश ड्राइविंग नहीं करनी, और हम एक एग्जांपल इसमें और ले सकते हैं कि जैसे रात के 12 बज रहे और मैं अपने घर में तेज लाउड म्यूजिक चला रहा हूँ और मेरे इससे पड़ोसी को दिक्कत हो, तो यहाँ पे टॉट कमिट हो गया। ये हमारी मोरल वैल्यू होती है, म्यूचुअल ड्यूटी होती है कि हम किसी को परेशान ना करें। अगर हम किसी को परेशान करते हैं
तो ये हमारी सोसाइटी की म्यूचुअल ड्यूटी को इन्फ्रिंज करता है, इन्फ्रिंज मतलब कि तोड़ता है, यहाँ पे इससे टॉट कमिट हो जाता है, इन विच यू आर नॉट टेकिंग केयर ऑफ समवन एल्स एंड फ्रॉम दिस ही शी और गॉट डैमेज लाइक फिजिकल डैमेज, मेंटल डैमेज, फाइनेंशियल डैमेज नोन एज टॉट। इसका मतलब ये हुआ कि हम अगर किसी को फिजिकल डैमेज देते हैं, मतलब किसी को धक्का देते हैं, कुछ करते हैं, तो टॉट कमिट होता है। किसी को मेंटल डैमेज देते हैं, जैसे सोशल मीडिया पे कुछ करना, मैं उसकी डिफेम कर रहा हूँ उसे, तो ये मेंटल डैमेज के अंदर आया मेरा एग्जाम्पल। और भी ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल्स होते हैं मेंटल डैमेज के अंदर। और फाइनेंशियल डैमेज, किसी को मैं फाइनेंशियली डैमेज दे रहा हूँ, इकोनॉमिकली डैमेज दे रहा हूँ उसको, उसको फाइनेंशियली बहुत दिक्कत आ रही है, तो ये सब कमिट करते हैं टॉट। इफ समवन हार्म यू बट नॉट इंटेंशनली देन इट इज ऑल्सो कम्स अंडर टॉट। मतलब कोई मुझे हार्म करते लेकिन इंटेंशनली नहीं करता, तो वो भी टॉट के अंदर कमिट होता है। गलती से उसको वो मुझे हार्म कर देता है तो वो भी टॉट के अंदर ही आएगा। एसेंशियल्स ऑफ टॉट, टॉट के चार मेन एसेंशियल्स हैं टॉट को समझने के लिए। एक्ट और ओमिशन, इंजरी, वॉयलेशन ऑफ लीगल राइट्स एंड कंपनसेशन। एक्ट और ओमिशन से मतलब ये हुआ है, टॉट कमिटी तब होता है जब हम कुछ करेंगे या नहीं करेंगे। इसका मतलब कि जैसे मैंने तेज गाड़ी चलाई और उससे एक एक्सीडेंट हो गया, ये मेरा एक एक्ट हो गया, उससे इससे यहाँ पे टॉट कमिट हो गया। मैंने लाउड म्यूजिक चलाया, इससे भी मेरा एक टॉट कमिट हो गया। ये एक्ट और ओमिशन होता है टॉट में, जो सबसे पहली स्टेज होती है टॉट की, वो होते हैं एक्ट और ओमिशन, कुछ करने या कुछ ना करने से टॉट कमिट होता है। इंजरी, इंजरी के तीन मेन पार्ट होते हैं समझने के लिए, फिजिकल डैमेज, मेंटल डैमेज एंड फाइनेंशियल डैमेज। फिजिकल डैमेज से किसी को मैंने फिजिकली डैमेज दिया, वो भी इंजरी में आएगा, फिजिकली इंजरी। किसी को मेंटली इंजरी करी मैंने, जैसे मैंने आपको बताया मेंटली इंजरी, किसी को डिफेम करना या कुछ मेंटली उसे हैरेस करना, वो सब टॉट के अंदर आएगा। और इकोनॉमिकल इंजरी, इकोनॉमिकल इंजरी से मतलब ये कि मैं उसे फाइनेंशियली दिक्कत देना, कुछ फाइनेंशियली कुछ उसे मैंने परेशान करना, उसकी पेमेंट नहीं करना, उसको पैसे से कहीं से दिक्कत देना, तो वो सारी आएगी इंजरी के अंदर। वॉयलेशन ऑफ लीगल राइट्स, वॉयलेशन ऑफ लीगल राइट्स का मतलब यह हुआ कि मतलब कि मेरा जो लीगल राइट था उसका वॉयलेशन करना, उसका खंडन करना, उसको तोड़ना। जैसे मेरा लीगल राइट है वोट देना और मैं वोट देने जाता हूँ, इसका केस भी है एशमे वर्सेस वाइट का केस, वो हम आगे जाके अगली वीडियो में समझेंगे पूरी डीपली, लेकिन आप हम इसका शॉर्ट समझ सकते हैं कि एशमे वर्सेस वाइट में क्या होता है। एक एशमे होता है और एक वाइट होता है। एशमे वोट देने जाता है तो वाइट उसे रोक लेता है कि तुम वोट नहीं दोगे, तो एशमे वाइट के ऊपर केस कर देता है कि इन्होंने मुझे वोट नहीं देने दिया, वोट नहीं देने दिया। तो व्हाइट कहता है कि इससे कुछ इन्हें नुकसान तो हुआ नहीं, जिस कैंडिडेट को वोट देना चाहते थे वो तो जीत गया, लेकिन कोर्ट ये कहती है उससे चाहे उसका नुकसान हुआ हो या ना हुआ हो, लेकिन उसको वॉयलेशन ऑफ लीगल राइट जरूर हुआ है, इसलिए व्हाइट को एशमे को कंपनसेशन देना पड़ता है। टॉट में हमेशा कंपनसेशन जरूर होता है, क्योंकि टॉट एक अनलिक्विडेड डैमेजेस के ऊपर होता है। अनलिक्विडेड डैमेजेस मतलब वो डैमेजेस जो प्री डिसाइडेड नहीं होते, और लिक्विडेटेड डैमेजेस वो होते हैं जो प्री डिसाइडेड होते हैं। ये होती है चार मेन एसेंशियल्स टॉट की। थैंक यू सो मच।